पंजाब नेशनल बैंक में फिक्स डिपोजिट करवाना है एफ करवाना है या फिर एफ को रिन्यू करवाना तो है, कर है तो उसका फॉर्म किस तरह भरते बहुत ही आसान है फॉर्म देखकर घबराना नहीं है चलिए फटाफट देख लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई और भी समस्याओं का समाधान बनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो जी हाँ जरूर सब्सक्राइब करो और जरूर सब्सक्राइब करो इसके साथ ही आपको इस चैनल पर दोस्तों सरकारी योजनाएं और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी काम की चीज़ें जो आप देख सकते हो टाइम टू टाइम फिलहाल देखते हैं फिक्स डिपोजिट का फॉर्म कैसे भरना है तो पंजाब नेशनल बैंक का फिक्स डिपोजिट का फॉर्म ये रहा आपकी आंखों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों फॉर कस्टमर हैविंग बैंक अकाउंट इन पी जिनका एक टर्म है पी कस्टमर हैविंग अकाउंट इन द बैंक जिनका पी में अकाउंट है उनके लिए अब यहाँ पर नीचे आइए यहाँ पर ब्रांच ऑफिस आपकी ब्रांच का नाम क्या है वो यहाँ लिखिए आपका खाता नंबर अट्ठारह अंकों का जो खाता नंबर है वो यहाँ लिखिए अब देखिए दोस्तों फिक्स डिपोजिट आप सिंगल नाम से करवाना चाहते हैं तो जो जिस नाम से करवाना चाहते हैं वो नाम यहाँ लिखिए ठीक है और उसकी कस्टमर आई डी लिखिए आप बोलोगे कस्टमर आई क्या होता है तो कस्टमर आई बैंक की पासबुक में लिखा होता है आप देख लिख सकते हैं उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जॉइंट में नाम करवाना चाहते हैं फर्स्ट नेम और जॉइंट नेम भी करवाना चाहते हैं तो सेकेंड आया सेकेंड कस्टमर का नाम यहाँ लिखिए और की कस्टमर आई डी यहां मतलब जितने नाम आप करवाना चाहते हो उन सबके नाम यहां लिखना है और उनकी कस्टमर आईडी यहां देनी होगी अब नीचे आइए नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों यहां पर पे थर्ड पैराग्राफ में लिखा है आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन रिन्यू द ये अकाउंट ओपन करने क्लिक के लिए कह रहा है देखिए दोस्तों या तो आपको फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं टर्म डिपॉजिट तो यहाँ पे आपको इस पर टिक करना है अगर आप आरडी करवाना चाहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट तो इस पर टिक करना है फ्लेक्सी आरडी डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो इस पर टिक करना है ठीक है अगर आर डी करवाना चाहते हो तो हर महीने कितने रुपये की आर डी करवाना चाहते हैं जितना रुपये एक हज़ार दो हज़ार दस हज़ार पाँच हज़ार वो यहाँ लिखना है कितना इंस्टॉलमेंट मतलब बारह महीने के लिए या बारह साल के लिए करवाना चाहते हैं बारह इंस्टॉलमेंट करवाना मतलब बारह महीने का बारह इंस्टॉलमेंट हुआ बारह साल का वन फोर्टी फोर इंस्टॉलमेंट हुआ मतलब एक एक महीने का एक इंस्टॉलमेंट हुआ हर महीने आपके अकाउंट से कटेगा तो वहां पे जितना महीना आपके लिए करवाना चाहते हो उतना महीना उतना इंस्टॉलमेंट यहां पे लिख दीजिए उसी तरह यहां पे भी अब नीचे आइए दोस्तों आपका अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा जो अकाउंट नंबर है वो लिखना पड़ेगा काइंडली डेबिट अमाउंट सॉरी यहाँ पे अमाउंट लिखना रहेगा कितने रुपए की आप फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखना रहेगा ठीक है और अकाउंट नंबर आपको यहाँ लिखना रहेगा सिग्नेचर यहाँ करना रहेगा ठीक है आपके हस्ताक्षर और कितने साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं वो यहाँ लिखना है ठीक है फिक्स डिपॉजिट वाला कॉलम यहाँ पे कितने साल कितने दिन कितने महीने के लिए और इंटरेस्ट रेट आपको नहीं पता है तो छोड़ दीजिए आपको पता है तो लिख दीजिए अभी फ़िलहाल फिर पंजाब नेशनल बैंक में एफ डी पर इंटरेस्ट रेट कितना है वो जानना चाहते हैं और चैनल पर जाइए वहाँ पर मैंने वीडियो बना रखा है देख सकते हैं कौन सी एफ डी फायदेमंद है अब यहाँ पे आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों फिक्स डिपोजिट करवा करवाते हैं तो आप क्या हर महीने या उसका इंटरेस्ट चाहते हैं हर महीने या हर तीन महीने हर छः महीने या हर साल उसका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि वो पूरा होने के बाद जो पूरा इंटरेस्ट है वो मूलधन में मिल के मिले तो अगर ऐसा चाहते हो मूलधन में मिल के आपको इंटरेस्ट मिले एक साल बाद तो इस पर टिक करना है अगर चाहते हो नहीं साल में अगर आप पाँच साल की एवरी चार साल की एवरी करना चाहते हो और साल में इंटरेस्ट चाहते हो तो इस पर टिक करना है अगर आप हर छः महीने पर इंटरेस्ट चाहते हो अपने अकाउंट में सेविंग अकाउंट में तो यहाँ पर टिक करना है अगर हर तीन महीने पर इंटरेस्ट चाहते हो तो इस पर टिक करना है अगर हर महीने इंटरेस्ट चाहते हो तो यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर जरूर लिखना है आपका सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना है किस अकाउंट में आप इंटरेस्ट जमा करवाना चाहते हैं है अब यहां पर देखिए दोस्तों क्रेडिट मैच्योरिटी प्रोसीड टू एस ये सी अकाउंट नंबर अगर आप मेच्योरिटी के बाद ये पूरा होने के बाद काट करवाना चाहते हो तो वो अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है टी डी एस आपको अप्लीकेबल है कि नहीं देखिए दोस्तों टी डी एस आपको अकाउंट से ना कटे उसके लिए फॉर्म सिक्सटीन फॉर्म पंद पंद्रह जी भरा जाता है पंद्रह एस भरा जाता है किस तरह भरना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है जाइए और देखिए एप्लीकेबल है तो यस लिखिए नौ तो नो लिखिए ज़्यादातर लोग नो ही लिखते हैं क्योंकि उनको एप्लीकेबल नहीं होता है आप सीधा नीचे आइए नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मैं नहीं बता रहा उसका मतलब वो छोड़ नहीं ठीक है यहाँ पे देखिए पैन नंबर जरूर लिखना अगर नहीं आ रहे तो छोड़ देना क्योंकि आपके अकाउंट में दर्ज होता है ऑटोमेटिक फेच कर लेगा अब देखिए दोस्तों आप एक साल के लिए अप्लाई करवाना चाहते हो और एक साल बाद हो सकता है आप कनाडा हो फौरन हो दुबई हो या फिर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो सकता है आप आंध्र प्रदेश में रह रहे हो इस साल बार तो आप बैंक नहीं जा सकते हैं तो उस समय क्या चाहते हो एक साल तो बैंक पहले ही पूछ लेती है भाई एक साल के लिए आप फिक्स डिपोजिट कर रहे हो तो एक साल बाद आप क्या चाहते हो अगर देखिए एक साल बाद क्या चाहते हो यहाँ ले देना अगर एक साल बाद जिस तारीख को आपकी एफ डी मेच्योर हो रही है उस तारीख को आप बैंक में पहुँच जाए तब तो बहुत ही अच्छा है नहीं तो आज ही फॉर्म में इस फॉर्म में भर दीजिए भैया मैं अगर नहीं पहुँच पाया तो ऑटो रिन्यू कर देना जो मूलधन होगा वो जो और उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा दोनों को मिलाकर उसी डेट से एफ डी को रिन्यू कर देना

होता है, जो जिन, जिसके नाम से एफ है वही जब तक जिंदा है वो ऑपरेट करेगा। उसके मरने के बाद जो नेक्स्ट फोर है सरवाइवर जिसका नाम एफ में जॉइंट है वो कर सकता है ठीक है ये रहेगा उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए जॉइंटली अगर दो नाम है तीन नाम है चार नाम है सभी जॉइंट में करवाना चाहते हैं तो जॉइंटली पे क्लिक कीजिए ठीक है और नॉमिनेशन अगर अब चाहते हो नॉमिनेशन करो जरूर फॉर्म भरना है ठीक है नॉमिनेशन कैसे भरना है मैं बता देता हूँ नॉमिनेशन यस करना है और उसके बाद तारीख लिखना है शहर का नाम लिखना है और आपका हस्ताक्षर करना है अगर अंगूठा का निशान है तो अंगूठे का निशान लगा के वीटनेस का भी निशान लगा देना है और यहाँ पर बैंक अधिकारी के सही आ जाएंगे अब नॉमिनेशन का फॉर्म आपने किसी के साथ अटैच होकर आता है आपको जरूर भरना है नॉमिनेशन देखिए यहाँ पे आई अपना नाम और एड्रेस यहाँ पे पूरा लिख दीजिए उसके बाद यहाँ पर एब, फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए ठीक है और उसके बाद यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट नंबर आता है अलग से वो लिखना रहेगा और नॉमिनी किसको रखना चाहते हैं वो यहाँ पर नाम लिखना है एड्रेस जरूर लिखना है नॉमिनी का और उसके बाद नॉमिनी कौन है आपको पति है पत्नी है बीवी है बच्चा है लड़का है दादा है दादी है कौन है वो लिखना है उम्र लिखना है और ये फॉर्म हो गया नीचे हस्ताक्षर कर देना है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पे अवस्था अच्छा करना है और अगर पढ़ना चाहते हो ये देखिए दोस्तों एज द नॉमिनी इज माइनर अगर, अगर माइनर है तो ये भरना है मैं यही बोलूंगा आपसे कि माइनर का नाम नॉमिनी में मत लिखो जो 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई है उन्हीं को नॉमिनी में रखा करो फिलहाल इतना ही धन्यवाद